नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। कक्षा 8 में फिर से स्वागत है आपका। और पंचदश पाठ, 15वां पाठ, आखिरी पाठ है हमारा आज संस्कृत का। हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लें। हंती मारता मारती है, कातर है यानी कमजोर। सिमंतिश निशु नारियों में, को भूत कौन हुआ। संज घानव यानी मारा, कंस संज घानव कंस को मारा। शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, काशी शीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली। दार पोषण रथा पत्नी के पोषण में संलग्न। केदार पोषण रथा खेत में काम करने वाले। कम्बलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला। पक्षीराज पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी त्रिनेत्रों वाला। शूल पाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है। त्वग यानी त्वचा छाल। विभ्रन्न यानी धारण करता हुआ। विष्णुपदम स्वर्ग मोक्ष। तक्रम यानी चाच मट्ठा। शक्रस यानी इंद्र का। तो हम देखें पहले मनोरंजन की पहली की प्राचीन विधा है और यह प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आप लोग भी ये गेम खेलते हैं, है ना, पहली वाला। लेकिन इस संस्कृत में आप देखेंगे पहली किस प्रकार से है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है और पहलियाँ जहाँ आनंद देती हैं वहीं भी हमारी सूझबूझ हमारी मानसिकता और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहली जो है वो बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण हैं। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात। को हंती करुणाकुलम किम कुर्यात कातरो उद्यो। तो इसमें तीन प्रश्न दिए हुए हैं आप देख रहे हैं, है ना। कस्तूरी जायते कस्मात को किम प्रश्नवाचक दिख रहे हैं। तो इन तीनों के उत्तर हमको आखिरी लाइन में दिखते हैं। मृगात सिंह पलायते यानी कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी कहाँ उत्पन्न होती है, तो मृगात यानी हिरण में। को हंती करुणाकुलम जो है वो किसने जो है वो हाथियों के समूह को मारा। हाथियों के समूह को किसने मारा, तो सिंह ने। और किम कुर्यात कातरो युद्ध जो है वो कायर युद्ध में क्या करते हैं, पलायते यानी भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। सिमंती निशु का शांता राजा को भूते गुणोत्तमा विद्वदेवी का सदा वंध्या। अत्र उक्तम न बुध्यते यानी इसी में उसके उत्तर दिए हुए हैं, यह आपको जानना है। तो इसमें हम देख रहे हैं स्त्रियों में कौन शांत है, सबसे शांत स्वभाव वाली नारी किसे माना गया है। राजा को भूतम गुणोत्तम सबसे सर्वोत्तम गुणों वाला राजा कौन है। और विधवी का सदा वंध्या विद्वानों में कौन सबसे ज़्यादा पूजनीय है। तो हम देखते हैं इस पद में पहला अक्षर सी और आखिरी ता, इन दोनों को मिलाने से उत्तर बनता है सीता। तो स्त्रियों में सबसे शांत स्वभाव वाली हैं सीता। इसी प्रकार से पहला पद रा और इधर मह राम, जो राम जो है वो सबसे उत्तम गुणों वाले राजा माने गए हैं। और इसी प्रकार से विद्वानों में पूज्य है विद्या, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें क संज घान कृष्ण जो है वो कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा जो है वो कहाँ पर है। और केदार पोषण अमृता कौन स्त्रियों के पोषण में लगा हुआ है। कम बलवंतम न बाधते जो है वो ठंड सर्दी शीतल जो है वो किसे परेशान नहीं करती है। तो इसमें हम देख रहे हैं इस पद में पहला और दूसरे पद का पहला अक्षर, इन दोनों को मिलाने से उत्तर बनता है कंस। तो कृष्ण को जो है वो कंस ने मारा। इसी प्रकार से इसका उत्तर है काशी, काशी में शीतल वाहिनी गंगा
जो है प्रभावित होती है। और केदार यानी कि, केदार यानी कि हमने अभी देखा था, केदार यानी कि खेतों में काम करने वाला किसान जो है वो स्त्रियों के पोषण में लग, इसमें दिया है केदार पोषण होना, कौन स्त्रियों के पोषण में लगा रहता है, तो केदार किसान को बताया गया है। कम बलवंतम न बाधिते शीतम, किसे जो है वो किस, कौन जो है वो किसे शीतल यानी कि सर्दी ठंड किसे परेशान नहीं करती है, कम बलवंतम यानी कि कंबल वाले को, जिसके पास कंबल है उसे जो है वो शीतल सर्दी ठंड जो है वो परेशान नहीं करती। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न शूल पुराणी त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धि योगी जल न च विभन विभ्रन्न घटो न मेघ। तो यहाँ पर कितना सुंदर बताया है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज, मैं वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से में रहता हूँ लेकिन मैं पक्षीराज यानी गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूल पाणी, मैं तीन नेत्रों वाला हूँ लेकिन मैं शूल पाणी यानी शिव नहीं हूँ। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, मैं छाल के वस्त्र पहनता हूँ लेकिन कोई सिद्ध पुरुष सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलन न विभ्रन्न घटो न मेघ, जो है वो मुझमें जल भरा हुआ है लेकिन मैं बादल नहीं हूँ। तो इसका उत्तर है नारियल, है ना, इसका उत्तर है नारियल। अगला हम लास्ट वाला देखें। भोजनांते च किम पेयम जयंत कस्य वे सुतम कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है और कथम किसके लिए विष्णुपद जो है वो विष्णुपद कैसा होता है बताया गया है। तो जैसा पहले में हमने तीन उत्तर देखे थे, लास्ट लाइन में इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। भोजनांते च किम पियम, तो तक्रम यानी छाछ मट्ठा। जयंत कस्य शक्र वे सुतम शक्रस्य, तो जयंत जो है वो शक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र, शक्रस्य यानी इंद्र। और विष्णु कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, क्या जो है वो विष्णु पद और मोक्ष कैसा है, तो वो है दुर्लभ। तो इस प्रकार से इन पहेलियों में उसके उत्तर दिए हुए हैं। इसको आप जानें, इसको दो तीन बार इसको रीडिंग करेंगे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा, आप दूसरों से भी पूछ सकते हैं। बड़ा अच्छा खेल है, गेम्स में भी खेल में इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके प्रश्न उत्तर वगैरह मैं PDF में दूंगा। और इसी प्रकार से अभी 1 से 15 तक सारे लेसन हो चुके हैं और इन्हीं को आपको जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट मंथ आपकी एग्ज़ाम है, टर्म 1 एग्ज़ाम, तो देखिएगा। धन्यवाद।